السلام <applause> <تستغ> عليكم ورحمه الله وبركاته <سلام عليكم> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز

जिनका नाम नाम है इसमें ग्राम अहमद मुशतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम है सदर इजलास आली जनाब बिरादरम नजर मोहम्मद बाबा खान साहब अमीर जमीयत अहले हदीस गुलबरगा यादगीर और मकामी जमीयत अहले हदीस के अमीर इसी तरह से जिला यादगीर के अरकान जमयत अहल हदीस ज़िम्मेदार मुआजतलम कराम नौजवान दोस्तों बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल अहतराम इस्लामी माओ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों आज बतारीख तारीख चौबीस नवम्बर सन दो हजार चौबीस ईस्वी के इस अजीम शान इजतम में जो जिले जमयत हदीस यादगीर के जेर एहतमामैशी महल्ला की जामा मस्जिद शूरापुर के अंदर मुनद हुई है वो मौजू है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वलवले आज भी जिंदा हैं और इन शह आंदा जिंदा रहेंगे इन शह तबारक अल्लाह तबारक वाले आपके आने को आपके कदमों के नीचे जो धूल पड़े हैं आपकी गाड़ियों के नीचे जो धूल पड़े हैं अल्लाह उन जर्रों से कहीं ज्यादा अजर सवाब एक एक वर्रों से कई गुना अल्लाह आपको अता फरमाए और हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हाज़िर हैं अल्लाह तबारक उन सब को भी उनकी आमद को भी यहाँ बैठने को सुनने को अल्लाह तबारक कबूल फरमाए आमीन या रब्बल आलमी मैं दिल से सबसे पहले अपने बिदर अजीज़ भाई बाबा खान साहब हफ़िज का मशकर ममनून हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के इन के लिए वक्त लिया और उसके बाद आप से रबा करके उसे मात माशा सवार इतना अजीम इजलास मनकद किया हालांकि वो खौफजदा थे कि हमें एक हफ़्ता बाद टाइम दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि हम तैयारी करें हमने कहा जो एक हफ़्ता बाद हो सकता है वो एक हफ़्ता पहले भी हो सकता है और अलहद वो हालिया ने शरापूर ने ज़िम्मेदारा ने शरापूर ने नौजवानों ने और हमारे अहबाब ने दोस्तों ने भाइयों ने अपने अमीर भाई बाबा खान नजर मोहम्मद बाबा ख़ान की आवाज़ पर लब्बे कहते हुए अलहमद कर दिखाया कि अल्लाह तबारक आज भी उनके बाजुओं में ताक़त और ख़ुत उनके हौसलों को जवान रखा है कि वो आने वाहिद में कम से कम मुद्दत में भी इतना अजीम इजलास कर सकते हैं अल्लाह ताली उन्हें उन नौजवानों को और जिन लोगों ने भी इस इजलास के निकाज़ में हिस्सा लिया है वॉल्टियर की हैसियत से लेकर के खाना पकाने और खिलाने पिलाने यानी जरे से लेकर आफ्ताब तक जिन लोगों ने भी अपने खिदमां पेश किए हैं अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अदा फ़रमाए और अल्लाह उन्हें जन्नतफिरदस में आला मकाम अदा फ़रमाए और अल्लाह ताली हम सब की हादरी को कबूल फ़रमाए आमीन या रबला आलमी दोस्तों और भाइयों शेर तो मुनासिब नहीं है लेकिन मकबर बर महल है मौका महल के हिसाब से किसी शायर ने कहा था कि मैं इसे शहरत कहूँ या अपनी रसवाई कहूँ मैं इसे शहरत कहूँ या अपनी रसवाई कहूँ उस गली में मुझसे पहले उस गली में मुझसे पहले मेरे अफसाने गए तकरीरें आप हजराज ने बहुत सुनी है। और मैंने यानी इस वक्त मैं बहुत तकरीबन दो हफ्ते से घर से बाहर निकला हुआ मुसलसल सफ़र में रहा हूं और बिहार बंगाल झारखंड की सरहदों को छूते हुए और वहां की उन बस्तियों को आवाज़ देते हुए ललकारते हुए उनके जज्बों को हवा देते हुए उभारते हुए किताबो सुन्नत की आवाज़ों को बुलंद करते हुए और उनको उनके एक नई रूह फूंकते हुए अल्लाह ताला ने मुझे आप हजरात तक काफ़ी अर्जे के बाद पहुंचाया है लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आये मुझे बड़ी मसरत हुई बड़ी खुशी हुई आप हजरात को देख कर और ये रोशन और चमकदार चेहरे अपने भाइयों के और ये कसर तादाद हदीस की अल्लाह अकबर अहलुलहदीसो हदीस आपका आना मुबारक हो आपका बैठना मुबारक हो आपका दुनिया में रहना मुबारक हो और आपका इस दुनिया से अल्लाह जबारक से मुलाकात मुबारक हो और नबी बरहक हजरत मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर पीना मुबारक हो नबी की शफ़ात मुबारक हो अल्लाह की जन्नत मुबारक हो अल्लाह ने जो नमतें उसमें रखी हैं अहिल हदीस अल्लाह तुम्हें मुबारक हो और इसमें दो राय नहीं है अल्लाह तबारक का ये शुक्र है और उसका एहसान है कि अल्लाह ने जिस तरह हमें इंसान बनाया और इंसानों में मुख्तल मुख्तलफ़ मिलतें तमाम मखलूक़ात बनाए मखलुक़ात में इंसान बनाया इंसान को लगत कर्रम न बनी आदम का शर्फ शर्फ़ा फ़रमाया कि हमने इंसानों को तमाम कायनत में सबसे आला और अफजल करार दिया है अफजल अशरफुल अशरफुलमखलूक़ात बनाया है वहीं इंसानों में जो मुख्तलिफ दीन और मुख्तलिफ धर्म मुख्तलिफ़ मजाहब मुख्तलिफ अफकार और नज़रियात और ख़्यालत हैं उन अफकार नज़रियात में से हट कर अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया इस्लाम जो अल्लाह जिसके बारे में फरमाता है कि अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम जिसके बारे में अल्लाह तबारा ने इस्लाम है अल्लाह ने हमें उस दौलत से माला माल का शुक्र है और इनशाला मैं इसके ऊपर थोड़ा टाइम आपको लूंगा कि ये इस्लाम क्यों सब दीनों में सबसे ज्यादा अफजल और सबसे ज्यादा आला और सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है इन शह तबारक तला तो इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया फिर इस्लाम के अंदर आ, शयातीन दाखिल हुए और मुनाफिक दाखिल हुए शरपसंद दाखिल हुए आपको पता है कि दुश्मन ने इस्लाम इस्लाम का चोला पहन पहन करके दाखिल हुए और उन्होंने इस्लामी अकीदे को इस्लामी तहजीब को तमद्दन को इस्लामी अफकार को इस्लामी आदात और अतवार को अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत मुबारक को किस तरह से मस्क करने की उसके उसको लोगों के दिमागों में मिटाने की लोगों को बदकिरदारी की तरफ लाने की जिद्दोजहद की मुसलमान बन बन करके कलमा पढ़ पढ़ करके अल्लाह के दीन का हवाला दे, दे करके कुरान का हवाला दे करके हदीस का हवाला दे दे करके रसूल क़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हवाला देकर सहाबा की उल्फत का हवाला दे करके भोले भाले मुसलमानों को गलत राहों पे डाला और इस तरह से इतने फिरके बने इतने फिरके बने इतने नजरियात बने इतने अल्लाह हु अकबर इतनी जमातें बनी कि आप खुद हैरान और हैं या एक गैर मुस्लिम जाहिर है उसने वो खुद भी हैरान और है कि कितने इस्लाम कौन कौन से इस्लाम पे हम अमल करें और इस्लाम का हकीकी और चेहरा कहाँ है इस्लाम का सही चेहरा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया जो हजरत सहाबा ने पेश किया आखिर वो इस्लाम कहाँ है वो अजनबी वो कहाँ है हम उसे कैसे पाएं मेरे अहले हदीस भाइयों मुबारक हो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस उस अजीम चेहरे और उस असली चेहरे का अमीन बनाया है अमानत दारी अमानत दारी तुम्हें सौंपी है उसका हामिल तुम्हें बनाया है उस चेहरे की हिफाजत करने के लिए मुहाफिज बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह ये चांद और सितारों जैसे उलमा बछए और आपकी ये अजीम तादाद जो कुरान सुन्नत को समझती है अल्लाह तआला ने आपको ये जिम्मेदारी दी है आपकी शक्ल में असली दीन सहाबा आज हम तो सहाबा नहीं हो सकते लेकिन ये चैलेंज के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा तो नहीं हो सकते लेकिन सहाबा के नक्शे कदम पर अगर इस कायनात में उसी नबी के दिन पर अगर कोई गिरोह अगर कोई जमात अगर कोई अगर कोई जमात कायमोदायम है और चल रही है तो काबा की कसम है वो सिर्फ और सिर्फ अहरुल हदीस है इसके अलावा कोई जमात मौजूद नहीं तिहाई सराहत के साथ इंतहाई जुर्रत के साथ इंतहाई हिम्मत के साथ आप कहें दुनिया के सामने और बयान करें कि हमारे कश्कोल में हमारे दामन में या तो रब का कुरान है या मोहम्मद अलैहि वसल्लम का फरमान है हमारे लबों पर सिर्फ झूठी मोहब्बतों के दावे नहीं हैं। हम सिर्फ दिखावे की मोहब्बत नहीं करते हम सिर्फ खाने पर दरूद और फातिहा नहीं पढ़ते अरे हम जब जिंदा रहते हैं तो हमारी नमाते बगैर फातिहे के नहीं होती और जब मर जाते हैं तो जनाजा भी बगैर फातिहे का नहीं होता तुम किस फातिहे की बात कर रहे हो उस फातिहे की कि जहां ना सीरत दलील है ना नबी करीब की सूरत है न सहाबा का किरदार है अलगरत तो ये अल्लाह तबारक तआला का फर्ज है फजल है कि अल्लाह रबुलजतें हमें और आपको इस दीन हनीफ का अमीन बनाया है आपको कुरान और सुन्नत की समझ समझ समझने के लिए अल्लाह ने आपको दिमाग अदा फरमाया वरना बड़े बड़े मुफ्ती बड़े बड़े आला काला हजरत इस कायनात में इस भारत में या बर सगीर के अंदर मौजूद हैं जो मसंदों के ऊपर बैठ कर पान और कत्थे और चूने और उसके ऊपर ताने तोड़ते हैं अइमा की तोहन करते हैं वो कहते हैं कुरान और हदीस तुम्हारी समझ में कहा आने वाला है कुरान हदीस समझने के लिए सत्रह सत्तर सत्रह सत्रह की जरूरत है बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है बहुत बड़े इलम की जरूरत है तब तुम कुरान समझ सकते हो जब तुम हदीस समझ सकते हो उनको बताओ उनको बताओ कि हम खेत जोतते हुए भी कुरान को समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उलुल अलबाब में बनाया है अल्लाह ने महल वाला बनाया है अल्लाह ने हमें के करने। हर आदमी को अल्लाह तबारक उसी की तोफिक देता है जिसके लिए वो पैदा किया गया है जहन्नम के लिए कौन पैदा किया गया जन्नत के लिए कौन पैदा किया ये अल्लाह को पता है और रोजे असल में उसने ये फैसले कर दिए कौन जन्नति है कौन जहनमी हमारे फैसले करने से ना कोई जन्नत में जाएगा और ना कोई जहन्नम में जाएगा तुम्हारे बड़े बड़े अलकाब और आदाब लगाने से कुतुबुल अख्ताब गौसुल कुतुब ख्वाजा कुतुब फलाने अब्दाद अमजाद अमजाद कहने कर लेने से अल्लाह मदुद्दहर फल्ला मदुद्दहर दक्का मदुद्दहर कह लेने से कोई जन्नत में नहीं जाने वाला है अबे तू पहले अपने जन्नत की गारंटी दे दे उसके जन्नत की क्या गारंटी देता फिर रहा है इन्होंने दीन को बाद कह दो हम ये नहीं करते हमारे यहाँ अलहमदुल्ला हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हमारे बच्चे बच्चे रब का कुरान समझते हैं हमारी औरतें रब का कुरान समझती हैं हमारी बच्चियां अल्लाह का कलाम समझती हैं अल्लाह के दीन को समझती हैं और उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान के ऊपर अपने इस्लाम को अपने अकीदे को अपने अमल को अपनी नमाजों रोज़ों हज जक़ात आदात लेन देन माश तजारत सियासत बिजनेस सब कुछ उसी कुरान और सुन्नत से हासिल करके अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दुनिया के अंदर जीते हैं और इन जीते रहेंगे इन शुरू अफसोस है तुम्हारी अकलों पर कि तुम चांद पर पहुंच गए तुमने कमंदे डालना तुमने साइंस पढ़ी तुमने मैथमेटिक्स पढ़ी तुमने पता नहीं बड़े बड़े डॉक्टरेट की डिग्रियां ली सब कुछ करा तुम्हें अगर दुनिया समझ में सब आती है बारीक से बारीक वो आ, क्या कहते हैं कीड़े समझ में आते हैं फलों के अंदर दरियाओं के अंदर फजाओं में क्या क्या जर में हैं और क्या क्या जरासीम है सब समझ में आता है एमों तुम्हें कुरान समझ में नहीं आता तुम्हें हदीस नबी की समझ में आती बेगैरती है अफसोस है तुम्हारे ऊपर जिसको कुरान न समझ में आए और जिसे हदीस समझ में ना आए वो जन्नती नहीं वो जहन्नम में जाने वाला है वो अपने मुकद्दर को रोए अपनी तकदीर को रोए कि कहीं अल्लाह ने उसके मुकद्दर में जब वो अपनी माँ के पेट में था जहां शकीय लिखा जा रहा था उसकी रोजी लिखी जा रही थी उसकी बदबकी और खुशनसीबी लिखी जा रही थी उसकी तकदीर लिखी जा रही थी उसका जन्नत और जहन्नम में जाना लिखा जा रहा था कहीं रब ने उसे जहन्नम में डालने वाला मसला तो नहीं रखा है लिख रखा है अफसोस है तोबा करो ऐ मुसलमान भाइयों मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैं बहुत भारी भारी अल्फाज नहीं बोलने का आदि हूं मैं जानता हूं कि आपकी समझ शरीफ कितनी बड़ी है और कितनी छोटी मैं उसी हिसाब से चाहता हूं बात जो समझ में आ जाए वही फसाहत है वही बलागत है आपकी समझ में बात आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास ये जलसे ये येमा ये मशाइ ये दरुस् और ये इंतजाम इसी लिए होते हैं ताकि ईमान को ताज़ा किया जाए इसकी वरहाली हो जाए सफाई हो जाए गाड़ी जंग लग लग करके कीचड़ों में चल चल करके बिल्कुल जाम होती है तो उसे मैकेनिक वर्कशॉप में भेज देते हैं जाओ इसकी तरह फिर वो हो जाएगी क्या कहते हैं उसको वरहाली हो जाएगी साफ सफाई हो जाएगी बिल्कुल क्या कहते हैं उसको हाँ सर्विसिंग तो ये सर्विसिंग सेंटर है ये धोबी घाट है जी जनाब धोबी किस तरह से ले जाले जाकर ये कपड़ों को घाटों के ऊपर पटख पटक 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 के धुलता है आज तो खैर वाशिंग मशीन है लेकिन वाशिंग मशीन कब नहीं पटकती है आप देखते नहीं है लेकिन वो कितने ऐठती है कितना कान घुमाती है वो वही जानता है कपड़ा हदरत कपड़ा जो घूम रहा है या वो मशीन जानती है आ, तो ये भाई ये धोबी घाट है समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कहते रुलाऊं तो बगावत है हंसाऊं तो बगावत है मैं आपको क्या कहूं मेरी जो तो समझ मैं बता रहा हूं मैं जो कह रहा हूं मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं आपकी मोहब्बतें आपका प्यार आपका खलूस माशाल्लाह आप सब समझदार हो हम लोग सुनते बहुत हैं सुनने के आदि हमें अमल करने का जज्बा खत्म होता जा रहा है हम अमल करने की आदत डालें यह बहुत जरूरी है समझ रहे हैं जितना सुने कोशिश करें कि उसके ऊपर अमल करें ताकि अपने जिस्म को और अपनी रूह को दोनों को जन्नती बनाए जन्नत में वही जिस्म जाएगा वही रूह जाएगी याद रखिए जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिसने अपनी जिंदगी गुजारी होगी बड़ा खूबसूरत और बड़ा हसीन मौजूद मिला है और ये मौजूद वह है कि जिसके अंदर तो यूँ समझिए कि पूरा दीन खुलासा मौजूद है इसके अंदर इसमें हंसाया भी जा सकता है रुलाया भी जा सकता है कुछ लोग मुझे ऐसा मौजू देते हैं यह भी मैं आपको बताऊ कि यह कहीं से घूम घुमा के अपने एक असली टॉपिक पे ना आए लेकिन वो वो होशियार एक मैं होशियार कहीं से बेटा तुम घुमाओगे आऊंगा मैं वहीं क्योंकि दीन दीन है ही वही वो कौन सा खाना अच्छा होता है जिसमें नमक ना हो बोलो वो खाना मजेदार होता है जिसमें नमक ना हो वो कौन सी तकरीर है जिसमें बिदात का तस्करा ना हो शिर का तस्करा ना हो तोहीद का तस्करा ना हो इखलास का तस्करा ना हो यह खाने में नमक बल्कि यू समझिए पावर है पावर इसके बगैर आपके अंदर पावर नहीं पैदा हो सकती ये तोहीद पावर है इस वायर को कितना भी खूबसूरत सजा दो इसको सब कुछ सोने के पानी में डाल दो यह सोने वाला हो जाए लेकिन अगर इसमें पावर नहीं है ना तो ये कभी आवाज भी नहीं देगा ये किसी लायक भी नहीं है ये तोद जो है ये पावर है आज देखो बेपावर पावर अस्सी परसेंट मुसलमान मौजूद हैं जूते पड़ रहे हैं सरों के ऊपर जूते खा रहे हैं कुछ तो हवाम मार रही खुद अपने ही जूते लगा लगा के सरों पे बैठे हुए नहीं समझे आप कुछ ना समझे खुदा करे कोई जिसको समझना होता है समझ जाते है। अमामे बांटते हैं यहां नालेने मुबारक के नक्शे लगाए रखते क्या नाले नाले अब देखो अल्फाज बड़े खूबसूरत खूबसूरत चुनते हैं हम उनका तर्जमा बता देते हैं वो सारी हवा निकल जाती तो दफाक से हम गांव गांव में थे ऐसे ही जा रहा था मैंने पाक के कुत्ते सीटे मैंने गए कुत्ते पाक के इधर समझो कौन से पाक को तो कुत्ते के तो मैं कहा रात को तो तू ही चिल्ला चिल्ला के माइक में कह रहा था और सगे वरा उल्लू समझते हो सब गांव वालों को सगमाने क्या होता है बोल सगमाने क्या होता है कहता कुछ भी होता मैंने कहा कुत्ता होता है तू नहीं बताएगा मैं बताता हूं सगमाने क्या होता है अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया कुत्ता नहीं बनाया इंसान अशरफुल मखलूकत है कुत्ता नजिस और नापाक है उसका गोश भी हराम है और उसका उसको पालना भी हराम है तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो हम कौसे पाप के कुत्ते अब कुत्ता चाहे किसी का हो कुत्ता तो कुत्ता है वो नबी क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब अपने आप को करे चाहे अबू बकरुबे से करे मनसूब कुत्ता तो कुत्ता है नजिस तो नजीस है खरे ईसा मक्का रवत खरबाजत ईसा अल्लाम का गधा मक्का जाके घोड़ा नहीं बनेगा वो गधा ही रहेगा कि घोड़ा बन जाएगा निस्बत की वजह से कुत्ता कुत्ता ही चाहे असहाब कहफ का कुत्ता हो कुत्ता तो कुत्ता है नजीस तो नजीस है पलीद तो पलीत है उसका गोश्त तो हराम है हलाल तो नहीं हो सकता कि गो पाक के कुत्ते का खाना हलाल है ये यही चीज है अजीजा मोहतरम अमल की जरूरत है अल्लाह तबारक उतला ने आपको समझ अता फरमाई है इल्म दिया है अब अमल करने की जरूरत है और इसमें कोई शक नहीं कि यही अल्लाह तबारक वाल की मंशा है कि सबसे पहले इल्म हासिल करो उसके बाद उसका इकरार करो उसके बाद उसके मुताबिक अमल करो अल्लाह के नबी वसल्लम पर सबसे पहले जो वही उतरी वो इल्म की थी एक खरा पढ़ो पढ़ना ये इल्म हासिल करने का एक जरिया है जुबान से आदमी पढ़ता है आंख से देखता है कान से सुनता है ना यह पांच चीजें हैं जो अल्लाह तबारक सबारक ने आपके चेहरे के ऊपर सजा के रखा है जिससे आप इल्म हासिल करते हैं अल्लाह के हबीब अब इल्म भी हासिल करना तो इम दो तो तरह का है एक इल्म वह है जो नुकसान पहुंचाने वाला है और एक इम वो है जो नफा बख्श नाफ़े नफा बख्श फायदेमंद जो दुनिया के अंदर भी फायदा आखरत के अंदर भी फायदा मरने के बाद भी जिसका फायदा भी? वो इलम और एक इल्म दार है नुकसान पहुंचाने वाला जिसको हासिल करने के बाद सवाल नुकसान के और कुछ भी हासिल नहीं होता नुकसान ही नुकसान है नाचने का इल्म गाने का इल्म का इलम यह भी तो इल्म है ना सूद का इलम रिश्वत खाने का इलम यह सब इम यह सब बाकायद सीखा जाता है और आजकल के पॉलिटिशियन देखिए उनमें भी होशियारी और चालाकबाजियों का इल्म होता है उनमें भी बड़ी चीज़ें होती है बहरहाल हर चीज़ का सारंगी बजाने का न गिटार बजाने का बांसुरी बजाने का इल्म है कि नहीं ये सब आलूम हैं लेकिन ये वो येम है जो माचरे को तबाह बर्बाद करने वाले हैं हिलाो बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं लेकिन वो इल्म जो दुनिया को नफा पहुंचाए आखिरत में भी तुम्हारा नफा दुनिया वालों को भी वतन का भी फायदा हो उसका भी फायदा हो ये वो इल्म है जो इंसान को हासिल करने का हुक्म दिया गया इल्म न दुनियावी होता है न दीनी होता है इल्म इल्म है जो इसको हासिल करेगा वो कामयाब होगा ये बात याद रखिए न ये यहूदी होता है ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है न यह अहले हदीस होता है ना अहले खबीस होता है इल्म इल्म है नाफे नफा ना पहुंचाने वाला जो इल्म है मैं उसकी बात कर रहा हूं नुकसान पहुंचाने वाला तो खैर ही है जो इसको हासिल करेगा वो कामयाब होगा अल्लाह तआला ने कुरानी करीम में फरमाया या माशा जिद ने वाल तुम तनफूमारिकुना सुल्तान सब कुमां तो कहती इंसानों और जिन्ना तो की जमात अगर तुम्हारे पास ताकत तो है तो ये सरहदें जो हमने बनाई हैं हदें जमीन और आसमान के दरमियान की इनको क्रॉस करके निकल जाओ निकल सकते हो तो निकल जाओ लेकिन तुम नहीं निकल सकते इन हदूद को तुम क्रॉस नहीं कर सकते इन चादरों को तुम फाड़ नहीं सकते इल्ला बे सुल्तान इला बे सुल्तान हां एक चीज है जिसके जरिए से तुम जमीन के इन इस सैयारे से निकल कर बाहर जा सकते हो वो है सुल्तान इल्म इल्म हासिल करोगे तो तुम हाथ पहुंचाओ और दुनिया पहुंची कि नहीं पहुंची पहुंचती आ रही अजीजा ने मोहतरम तो आज यहूद नसारा ने इस इल्म को हासिल किया आज दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं वो पहले ये ओलूम हमारे पास थे जहाज हमने बनाए समंदरों के अंदर टेक्निक हमने बनाई कश्तियां हस्ते अमीर मुआविया रदी अल्लाह इजाद की इस्लाम के अंदर बड़े बड़े मेडिकल बड़े बड़े साइंस की चीजें मुसलमानों ने सब बनाई हैं सत्रहवीं सदी में हम जहालत की तारीखियों में चले गए और जो तारीखियों में थे वो उजालों में आए इसी इस्लाम को पढ़कर और इस तरह से उन्होंने आज पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया और हम रह गए लल्लू के लल्लू आज हम सबसे पिछड़े हुए यही कुरान है यही हदीस है सब कुछ था पिट गए हम वजह उसकी ये रही कि एक तो हमने इल्म नहीं हासिल किया दूसरे जो हासिल किया उसके ऊपर अमल नहीं किया हमने नबी कायना की सीरत हमें यही बताती है कि कामयाबी उन्हीं के कदम बोस होती है जो इल्म और अमल की दौलतों से मालामाल होते हैं और इस इल्म में सबसे पहला इल्म याद रखो ये भी मैं आप कोई भी इल्म है मैंने बताया है। हर इल्म हमारा है। चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ हो चाहे वो जागरफी हो चाहे वो कुरान हो चाहे वो हदीस हो चाहे वो फ़िका हो चाहे वो सूरज फा चाहे हदीस चाहे वो सूरज कुछ भी हो वो साइंस कुछ भी सब हमारा इल्म है हमें हर इल्म हासिल करना हमें उसके लिए ऐसे मजाल और ऐसे मैदान बनाने ऐसे फदाओं को तैयार करना है जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां बेहतरीन अंदाज से इल्म हासिल कर सके इसकी बहुत सख्त जरूरत है खासतौर से भारत के मुसलमानों के लिए यहां अगर आप जीना चाहते हैं सर उठाकर अगर आप यहां की फदाओं में सांस लेना चाहते हैं अगर यहां आप अपने वतन और अपने दीन की खिदमत करना चाहते हैं अपने दीन और वतन की तो उसका एक ही एक ही रास्ता है और वो है सही इल्म हासिल कीजिए उसके मुताबिक अमल कीजिए और आगे बढ़िए यहां फखत सरे शाहीन के लिए है कुला ये दुनिया के अंदर सलाम और सैलूट उसी को पेश किए जाते हैं जिनके सरों के ऊपर टोपियां होती हैं मतलब इज्जत और रिफत और शरफ की टोपियां होती हैं उन्हें ही सलूट किया जाता है उन्हें ही सलाम किया जाता है मेरे मुसलमान भाइयों जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बस्ती के कोने कोनों में कॉलेजेस कायम करें यूनिवर्सिटीज कायम करें आप लॉ कॉलेज बनाएं मेडिकल कॉलेज बनाएं आप साइंस बनाएं आप कुरान के हदीस के हिफ्ज के ये तमाम सब इल्म के आप जो है मराकज और सेंटर्स कायम करें इसकी बहुत सख्त जरूरत है नबी कायना वसल्लम इस कदर आपको अपने सहाबा के अंदर इल्म फैलाने की मोहब्बत थी दो मिसालें दूंगा आपको मैं गजबे बदर के अंदर जो लोग पकड़ के लाए गए थे कैदी मक्के के जो कुफार थे वो पकड़े गए थे और लाए गए थे कैदी बना के उन कैदियों को उस जमाने के दस्तूर के हिसाब से फिदिया पैसा लेकर के छोड़ा जाता था कल्ला लेकर के या सोने और चांदी लेके उनको छोड़ा जाता था जमानत ही उनको आजाद किया जाता था अल्लाह के नबी साहब को पता चला इन कैदियों में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं आपने फरमाया तुमसे पैसे नहीं लेंगे तुम हमारे अनपढ़ लोगों को हमारे दरमियान जो बेपढ़े लिखे लोग हैं तुम उन्हें पढ़ा दो लिखा दो सिखा दो यही तुम्हारा फिदिया है तुमसे हम पैसे वसूल नहीं करेंगे इन्हें इल्म सिखा दो लिखना पढ़ना सिखा दो खलास तुमको आजाद कर देंगे अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को मुकर फरमाया उन्हें टीचर बनाया और उन्होंने कुछ दिनों के अंदर उन्हें पढ़ना लिखना सब सिखा दिया अल्लाह के नबी ने उन्हें आजाद कर दिया ठीक है आप यह होती है होशियारी ये होती है समझदारी भारत के अंदर केरला के अंदर सेंट्रल जेल में केरला के एक शख्स का इंटरव्यू मैंने पढ़ा जेलर था वो बड़ा जेलर उसने जेल जेल के कैदी जो थे मोहतरम आपको पता है जेल के कैदियों को बाकायदे कैद से आजाद करने का परमिशन भी मिला उनकी उनकी सजाएं भी खत्म सब कुछ खत्म और उनसे कहा गया जेल खाली करो जाओ पर वो जेल से निकलना गवारा नहीं किया उन्होंने उन्होंने कहा नहीं हम बाहर जाके क्या खाएंगे क्या पिएंगे हम जेल ही के अंदर रहेंगे जब उससे पूछा गया तुमने इनको क्या सिखाया और क्या इनको तालीम दी तो तो उसने कहा जनाब अली जेल के कैदियों को उसने कुकिंग कैटरिंग के जो फार्मूले होते हैं खाना पकाने के उस शख्स ने कैदियों से जेल के अंदर कैटरीन कायम किए कायम किए क्या कहते हैं खाना पकाने की जो जगहें होती बनाया कैटरीन का उन्हें तमीज सिखाया और न जाने कितने फ्लाइटों के अंदर जेल के बनाए हुए खाने पैक हो करके जनाब आली फ्लाइटों के अंदर जा, जाते थे और जाते हैं जिन्हें पैसेंजर खाते हैं आज भी जेलर से पूछा गया ये तुम्हारे तुमने ये कैसे किया बोले हमने सोचा ये फालतू लोग हैं यहां से हम कैटरी हमने खोला और कैटरीन खोल के इनको ट्रेनिंग दी कुछ बाहर के लोगों को बुलाया इन कैदियों को ट्रेनिंग दी ये कैदी जो थे हमने ये पावर था इस पावर को हमने यूज किया एनर्जी में एनर्जी में सर्व किया और इनको सिखा दिया अब ये बेहतरीन खाने पकाने लगे ये अब ये खाने जहाजों में सप्लाई हो रहे हैं हमारे पैकिंग पैकिंग होकर के उनकी तनख्वा पच्चीस सत्तर सत्तर हजार पचास पचास हजार साठ साठ हजार जेल में सदा काट रहा है और अपने घर पचास पचास हजार के चेक भेज रहा है अकबर लोगों ने उससे पूछा ये आइडिया तुम्हें आया कहां से सुनो मुसलमानों ये आइडिया तुम्हें आया कहां से केरला के अंदर आपके उसने कहा यह आइडिया मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से हासिल किया है यह है सीरत का दर्ज काफिर था वो मुस्लिम भी नहीं था कहा यह आइडिया हमने मोहम्मद अलैहि वसल्लम से हासिल किया कहा कैसे कहा हमने उनकी सीरत में पढ़ा था कि जब बदर के कैदी पकड़ के लाए गए थे तो उन्होंने उनमें पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने अपने लोगों को जो अनपढ़ थे उनमें दिलवत इल्म को इल्म को दाखिल किया उनके जरिए से अपने लोगों को पढ़वाया लिखवाया और उन्हें होशियार बनाया समझदार बनाया वो इल्म उनसे लेकर के अपने लोगों को आलिम बनाया हुआ ये जब हमने आइडिया बढ़ा तो हमने सोचा कि तो बेहतरीन तरीका है आम क्या गुठलियों के तब आम कैदी की जिंदगी सुधर जाएगी शरीफ बन जाएगा नेक बन जाएगा हुनर आ जाएगा अपने बाल बच्चों को पालने वाला बन जाएगा यहीं से बैठे बैठे अपने बाल बच्चों को पालेगा वहां कौन खाना देता होगा कौन पानी देता होगा फिर जब इसकी सजा खत्म होगी मुल्क से बाहर जाएगा वतन की खिदमत करेगा यानी ये अजु मतल ये बेकार जो जेल में डाला गया था इसको हमने बेहतरीन हसीन तरबियत दे करके पावर बना करके अपने वतन का हमने इसको खादिम बना दिया ये दर्ज हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से लिया और आज हम भी मुसलमान हैं नबी सला पूरी दुनिया को हिदायत की तालीम दे के गए अल्लाह के नबी ने पूरी दुनिया में रोशनी फैलाई अल्लाह के रसूल सलाम ने पूरी दुनिया को अमन शांति का पैगाम्बर बनाया अमन शांति के हुनर बनाए गुण बनाए बताए इल्म फैलाया तालीम तरबियत फन हर चीज़ और आज हम उसी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले एकदम पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सीरत का एक नमूना मैं आपको बताऊं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इत्याम है बादशाह हैं बड़े बड़े हुक्मरान हैं सुनो ये सीरत का पहलू आज हम जिसकी तरफ नजर उठा के देखना कुफर समझते हैं या हमें पता ही नहीं है यह छुपे हुए सीरत के पहलू हैं नबी करीम सलाम की सीरत तैयबा के क्या आप सलाम ने देखा कि बड़े बड़े बादशाह हैं सरबराहान हैं, हमें इस्लाम फैलाना है हमें इस्लाम की तालीम इनको देनी है क्या करें उनकी जुबान हमको नहीं मालूम हमारी जुबान वो नहीं जानते हम उन्हें अल्लाह का पैगाम कैसे पहुंचाएं? आइडिया लो आइडिया देखो नबी करीम वसल्लम का अल्लाह के रसूल फरमा जैद इबन साबित जो आपके गुलाम थे कहा उठो कहा जाओ हमारे पास ऐसे ऐसे खतूत आते हैं, हम भेजना भी चाहते हैं। उनके जवाब आज हमें वो जुबान नहीं मालूम है और ये चारों तरफ जितने भी हुक्मरान ये इबरानी जुबान जानते हैं जो इबरानी सीख क्यों अल्लाह के नबी ने उनके हक़ में दुआ की सत्रह दिन में वो जुबान सीख करके आ गए इब्रानी जुबान सत्रह दिन में सिर्फ सीखा पढ़ा नहीं बोलना भी सीखना भी समझना भी सब जान गए अब अल्लाह के नबी का काम शुरू हो गया कि आपने अल्लाह की आयतें अल्लाह का पैगाम दीन इस्लाम उनकी जुबानों में लिख लिख करके भेजना शुरू किया अब उनके जवाब भी आना शुरू हुए और इधर से भी जवाब और इस तरह से इस्लाम को बादशाहों हुक्मरानों तक तो पहुंचाया ये हजारों की तादाद में आज आप बैठे हुए हो हम भी बैठे हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमारा देश हमारा भारत हमारा मुल्क जो एक गुलदस्ते की मानद है हर फिक हर फिक्र और हर जहन और हर आइडियाज और हर धर्म और हर मजहब के लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ रहते और बसते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं इन्हीं में हम भी रहते और बसते हैं आप हमको बताइए कि आपने कितने अपने देश के भाइयों तक इस्लाम के ये अमन और शांति के पैगाम को पहुंचाया है उनकी भाषा में मैं जहां जाता हूं मशरक से लेके मब तक शिमाल से लेके जनूब तक जहां जहां मेरे तकरीर में पर तकरीर तकरीर नहीं करता ना कोई शोबाजी होती है मैं ये चाहता हूं कि मैं बिरादरान अपने वतन के भाइयों को अपने मुसलमान भाइयों को किसी भी दीन से वो किसी भी मदहब और फिक्र से उनका ताल्लुक होते हैं, उनको नहीं लेना एक आइडिया लो एक फिक्र लो सोचो गौर करो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वजीर आजम तक किसने कोई लेटर इस्लाम का पहुंचाया है बड़े बड़े महान मौजूद हैं महानता मौजूद हैं बड़े बड़े इस्लाम के स्कॉलर्स मौजूद हैं इस्लाम का नाम लेने वाले मौजूद हैं पर्सनल तरीके से किसने मोदी जी को कोई लेटर लिखा है असलम तस्लम मोदी जी इस्लाम कबूल कर लो सलामती में आ जाओगे मुख्यमंत्री तुम इस्लाम कबूल कर लो बताया इस्लाम क्या है कोई किताब कोई लेटर कोई खत उनको भेजा हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर आजम हैं हमारे देश के रहबर हैं रह है। उनके अपने उनके अपने मकाम और रुतबे के एतबार से ही सही हम भीख मांगने जाते हैं उनसे हमारी मस्जिदें छोड़ दो हमारी अवकाफ को माफ कर दो बेगैरती की अदब है वो बेचारा चार पांच साल के लिए बन के आया फिर बनेगा फिर बनता है क्या भिखारियों से भीख मांगने जा रहा अपने अंदर वो गट्स पैदा करो इसी देश के अंदर कुछ ऐसे मजाहिब के अधियन के लोग मौजूद हैं जिनके दरवाजों पे बड़े बड़े मनुष्य जाके सजदे करते हैं जो अपनी बातें मनवाते हैं और हम अपनी बातें मनवाने के लिए उनके पांव पड़ते हैं। क्यों आपने इस्लाम आपने नबूवत का जो की जो सीरत है उसको अपनाया नहीं आपने वो अखलाक वो तरबियत वो तालीम ना खुद हासिल की ना हासिल करने की सोच है अवकाफ के लिए कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं आप उसके लिए सदारत की कुर्सियां उसके लिए नजाबत जो पता नहीं क्या क्या परसनल्ला बोर्ड फलाना बोर्ड देखो पूरा हो रहा है समझदारी हासिल करो नबी सीरत क्या है आइडिया है नबी करीम सलाम पावर हाउस है के नबीसम से दुनिया फायदा उठा रही है और मुसलमान तारीखों में पड़ा हुआ है अरे मुसलमानों कुछ तो होश के ना खुन लो कुरान इसलिए नहीं आया था कि ताबीजें बना बना के गलों में बांधो हाथों में बांधो ताबीज यह नहीं आया था कुरान इसलिए कि मुर्दों के ऊपर पढ़ा जाए कुरान खानियां करा करा के अपने जहनम भरो मोलवियों सज्जादा नशीनों पीरों फिरों से डरोर ना जूते खा रहे हो और जहन्नम में डरोगे जहन्नम से जूते खाओगे यही हम समझा रहे हैं हमारा मुल्क एक केक की तरह खूबसूरत हसीन जमील हर नेमतें अल्लाह ने अदा फरमाई हैं और हम मुसलमानों को बाई चॉइस नहीं जब, जबरदस्ती नहीं अल्लाह ने हमें यहां रखा है अपनी मसलहत के लिए हम हैं तो यह देश कायम उदायम है हम नहीं रहेंगे तो यह देश खत्म हो जाएगा एक कलम तो का पढ़ने वाला हमारी वजह से यह मुल्क चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह तोहहीद परस्तों की वजह से चल रहा है जब एक कलमा पढ़ने वाला हो कलमा पढ़ने वाला नहीं जोला भी कह रहा है दरगाहों की चौखटों के ऊपर जाके सजदे भी कर रहा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है मदारों के सजदे भी कर रहा है तबाफ भी कर रहा है जा जा करके उसको चूमता और छाटता है नियाज और फाते करता है मुर्दों को पुकार पुकार करके एड़ियां रगड़ बच्चे और बेटी हो सब कुछ मांग रहा है वहां पे नियाज और फाते और मेले और ठेले और उर्स करता है वो नहीं कलमा पढ़ने वाला वो तो झूठा है उसको पता ही नहीं है कि कलमा पढ़ने का मतलब वो मफहूम क्या है वो शेख ने बताया होगा आप तफसीलात आपने सुनी होगी सीरत का मफहूम क्या है सीरत नबी है यह नबी करीम से मोहब्बत की दलील है नबी की सीरत क्या है नबी की सीरत यह है कि कहने वाला अगर आके कहता है अगर या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी हम आपसे फरियाद करते हैं आपसे हम फरियाद करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह क्या ताला हमारे ऊपर रहन फरमाए हम सताए जा रहे हमारे नबी ने फौरन वहीं के ऊपर टोका इन न मैं किसी का गौस नहीं गौस करना है अल्लाह गौस है उससे फरियाद करो वो तुम्हारी फरियादों को सुनने वाला है मैं बहसियत रसूल भी गौस हो सकता तुम्हारी फरियाद सुन सकता यह नबी ने अपनी जिंदगी में फरमाया था यह जालिम मुर्दों को गौस बना बना करके चिड़ियों को बिल्लियों को न जाने तोते छा खोते गुल्ले छा बुल्ले छा और कुत्ते छा हजारी छा मजारी छा न जाने किस किस के ऊपर जनाब आली झंडे बंडे लगा करके ये इस्लाम को रुझवा करने वाली कौम यह इस्लाम को जलील करने वाले अल्लाह इन्हें हिदायत अदा फरमाए इन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया इन्होंने नबवी सीरत के ऊपर खतने बदनाम किया है एक कलम का टीका है माशरे और समाज के ऊपर अल्लाह इन्हें हिदायत अदा फरमाए उसके बाद हम चीखते हैं कि हम अपने मुल्क में इज्जत नहीं पा रहे हैं ये नहीं पा रहे हैं वो नहीं पा रहे हैं हमें चार किलो चावल चाहिए पांच किलो चावल जो उसके लिए मर रहे हैं कट रहे हैं होश के ना लो मुसलमानों और सुनो नबी की सीरत का के कई पहलू हैं कहां कहा आपको नबी वसल्लम रहनुमा और रहबर नजर आ रहे हैं इस मुसल्ले से लेकर इमामत के मुसले से लेकर और बद्र हुनैन के घोड़े की पुष्प पर बैठे हुए हमारे नबी तुम्हें नजर आएंगे यहां से लेकर एक बेहतरीन और मुरब्बी और बाप होने की हैसियत शोहर होने की हैसियत से लेकर के जनाब अली अपने सहाबा के लिए भाई बनने की हैसियत तक अल्लाह के नबी वसल्लम आपको नजर आएंगे हर मैदान में हर फील्ड में तआला ने फरमाया फर खान फी रसूल हसना रसूल तुम्हारे लिए एक बेहतरीन आइडियल है नमूना है एक लुकमा उठाओ तो ये सोच लो कि ये लुकमा जो हम मुंह में डाल रहे हैं ये हमारे नबी ने उठाया है तो कैसे उठाया है? आज तो हमारे नबी के बस इश्क, इश्क नबिया इश्क कभी नबिया इश्क नबिया कव्वालियां गा रहे हैं है? बन समर करके कव्वाल आ रही हैं डांस हो रहे हैं बाजे बाजे बजा रहे हैं है कि नहीं है ये यही सलाम है यही नबी की सीरत है यही नबी अलैहि सलाम का पैगाम है मुसलमानों पुम्बा कुजा कुजा नहम तनहमा दाग दाग, शुद्ध मैं पूरे भारत की बात तो नहीं कर सकता कहां कहां-कहां हर जगह जख्म है हर जगह कहां कहां हम फाये और मरहम रखें लेकिन आइए बात को और करीब करते हुए मैं अपने अहले हदीसों से कहूं तुम ही पेवर हो तुम ही असली हो नबी से मोहब्बत करने वाले अगर अल्लाह की कसम बदला रहा हूं आप सुधर गए तो तीन सौ तेरह हजारों के चक्के छुड़ा सकते हैं इन शह तबारक आप नबी करीम साम की सीरत मुबारक के मधर बन जाए आपका अमल आपकी मस्जिदें आपका घर आपका समाज तीन चीजें मस्जिद मदरसा घर और इन तीनों चीजों से समाज तामीर होता है माचरा बनता है सोसाइटी बनती है मस्जिद कुरान और सुन्नत के मुताबिक मदरसा के अंदर कुरान और सुन्नत की तालीम और आपका घर वहां भी अल्लाह उसके रसूल की था क्या सीरत है कि एक औरत खातून अपने बच्चे को देखो सीरत है नबी का मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बताऊंगा मैं आपको सिर्फ हल्के हिंट दूंगा इशारा करूंगा समझो आप खातून को नबी का ना सुन रहे हैं कि वो कह रही है मेरे बेटे आ जा फला मैं तुझे खजूर दूंगी आ जा आ जा माँ लालच दे करके उसको बुला तुझे क्या दूंगी अब आज के दौर में मैं जो तुझे चॉकलेट दूंगी आजकल की माएं बहने बुलाती तुझे मैं चाकलेट दूंगी तुझे लॉलीपॉप दूंगी तुम फला दूंगी मैं तुझे ये दूंगी आ जा मेरा बच्चा वो खातून भी खजूर जमाने में आज भी बहुत बड़ी नेमत है उन्होंने बुलाया आ जा अल्लाह के नबी कहीं से गुजर रहे थे कान में आवाज आई अब तालीम देखो तरबियत देखो क्या हो रही खड़े हुए आपने उस खातून से कहा तुम अपने बच्चे को कह रही हो कि मैं तुम्हें खजूर दूंगी आ जा मेरा बेटा तो वाकई तुम्हारे पास खजूर है तुम खजूर दोगी या सिर्फ उसको लॉलीपॉप दे रही हो बहला रही हो चुपके थे जी के नहीं अल्लाह के नबी मैं दूंगी खजूर उसको मेरे घर में है तो आपने फरमाया हां याद रखना अगर तुमने उसे खजूर का वादा के दे, दे करके अपने पास बुलाया और उसे खजूर न खिलाया न दिया तो याद रखो अल्लाह के हां तुम्हारा नाम कज्जाबों में लिखा जाए झूठों में लिखा जाए यह है तरबियत और आज बदकारियां देखते हुए हम गुजरते हुए यह कह देते हैं भैया जरा रोड है माफ करो जरा किनारे हो जाओ है कि नहीं मुसलमान अरे मुसलमानों, इस दुनिया के रहनुमा आप हो वल्लाह बतरार ये यह दुनिया आपके कदमों की चापों की मुंतजिर है की कसम बतला रहा हूं ये दुनिया तुम्हारी तरफ ललचाई हुई हजरत भरी नजरों से देख रही है ये कौन ये कब बेदार होंगे कब ये जागेंगे इनके पास तो वह आला किताब मौजूद है रब का कुरान इनके पास वह आला मुअल्लिम मौजूद है जो तमाम नबियों का मुअल्लिम तमाम नबियों का उस्ताद तमाम नबियों का इमाम है वो मौजूद है इनके पास वो दस्तूर हयात वो दस्तूर इबादत बंदगी मौजूद है मुल्क जीरी का पैगाम मुल्क को चलाने का निजाम और सिस्टम मौजूद है कब उठेगी ये कौम कब जागेगी ये कौम दुनिया तुम्हारी तरफ हसरत भरी नजरों से देख रही है आप क्या समझते हैं कि किसी को इस्लाम से दुश्मनी है इस्लाम से किसी को दुश्मनी नहीं है इस्लाम की तालीमात से दुश्मनी है इस्लाम किसी को असचित नहीं रखना चाह रहा सबको तालीम याफ्ता देखना चाह रहा है इस्लाम पूरी दुनिया को तालीम याफ्ता देखना चाह रहा है किसी को चाहिल नहीं देखना चाह रहा किसी को भी नहीं इस्लाम वो दीन है नबी की वो सीरत है कि अगर एक तरफ कबीले कुरैश के सरदार नबी की बाई तरफ या दाई तरफ पहलू बा पहलु बैठे हुए हैं तो जानुओं से जानु टच किए हुए सैयदना बिलाल हब्जी भी सोहेब रूमी भी रूम जा करके और बड़े बड़े गुलाम भी आ करके उन्हीं अबू बकर और उमर के सफों में जनाबे अली जानू से जानू लगाए हुए बैठे हुए नजर आते हैं ये समानता ये मुसावाद ये बराबरी ये वो तालीम है जिससे नबी ने दिलों को फतेह किया नबी ने इनकलाब नहीं बर्पा किया नबी ने इनकलाब नहीं बढ़ पा ये इनकलाब का लफ्ज यह है कुफर का लफ्ज है इस्लाम में इंकलाब उनकलाब नहीं होता नबी ने दिलों को फतेह किया फते नबी कायनात अपने अखलाक से अपने आजाद से अपनी तालीमत से हमें वो तालीम अपनाना पड़ेगी अमल करना पड़ेगा मेरे भाइयों उसको पढ़ना पड़ेगा सुनना पड़ेगा मेरी माओ बहनों तुम ये ना सोचो कि मैं ये मर्दों से खिताब कर रहा हूं तो तुम हमारी नजरों में नहीं हो मैं तुम्हें देख रहा हूं मेरा यह पैगाम तुम्हारे लिए भी है कि तुम तो हमारे समाज का अटूट अंग हो हिस्सा हो तुम्हारे बगैर तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं मर्द तो हम ही हैं ना मुकम्मल हमारे बगैर तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है अल्लाह के नबी सा जो शादी नहीं करता उसका ईमान अधूरा होता है आधा होता है शादी कर लेता है तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है तो तुम यह ना सोचो कि साहब सिर्फ मर्दों को बोल रहे नहीं ये पैगाम तुम्हारे लिए भी है तुम्हारा मकाम तुम्हारे मर्दों के साथ जो गैर मुस्लिम हैं अपने मरे हुए शोहर के साथ आग के अंदर जलना उनके लिए दीन और धर्म है ये तो इस्लाम की देन थी कि विशेष इंदिरा गांधी जलाई नहीं गई ये इस्लाम की देन थी कि बच गई नहीं तो उसे भी जलाया जाता और आज कितने खवानी हैं अल्लाह के फजलों से तो आए मेरे भा, 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 भाईयों और बहनों और मेरी माओ बहनों तुम्हें भी इल्म के जेवर से आरास्ता पैरास्ता होना है। सिर्फ सिर्फ तुम्हें हंडी ये पतीली खाने पकाने के लिए नहीं पैदा किया गया वह इतनी कमियां हमारे अंदर मौजूद हैं कि मैं क्या बताऊं रात गुजर जाए अगर मैं उन कमियों को सिर्फ शुमार करूं मेरी बहुत सारी ऐसी बहने मौजूद हैं और यह जिम्मेदार ने जमीयत को होश के नाखून लेना पड़ेगा कितनी बहनें हमारी बूढ़ी माए मौजूद हैं मौजूद है जिन्हें अल्लाह की कसम सूर्य फातिहा पढ़ना नहीं आता अल्लाह की कसम बदला रहा हूं हमारे कितने नौजवान हैं जिन बेचारों को सूर्य फातिहा नहीं आती तो जनाब तहियात पढ़ना नहीं आता कैसे नमाज वो पढ़ेंगे आप बताइए कैसे तहारत करेंगे उनको नमाकेद वजू वजू किन किन चीजों जिन टूटता है वो भी पता नहीं है हमें अपने समाज को एजुकेट करना पड़ेगा हमने अपने समाज के अंदर तालीमी बेदारी पैदा करना पड़ेगी शोरापुर के चारों तरफ जो करी और बस्तियां हैं कम से कम तुम अपने शोरापुर को या गुलबर्गा जो यूनिवर्सिटियों का शहर कहलाया जाता है हमारी यूनिवर्सिटी कहां है क्या है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेज है पूरे भारत के अंदर गुलबर्गा को कॉलेज का, का शहर कहा जाता है हमारा कॉलेज कहा है सोचिए गौर कीजिए ऐसा ना हो कि हम मर जाएं आने वाली नस्लें शैतान उनको गुमराह करके तो फिर वो हम गुमराहियों के ऊपर डाल दे याद रखो हमारे ऊपर लानतें बरसेंगी हमारी खबरों में हमें सुकून नहीं मिलेगा याद रखो इसलिए होश के नाखुन लोग दो रोटियां हैं एक रोटी खाओ एक रोटी से पढ़ाओ अपने बच्चों को आप क्या समझते हैं मेरा बेटा बैरिस्टर बन जाएगा मेरा बेटा फला बन जाएगा मेरा बेटा आईएस ऑफिसर बन जाएगा कामयाब हो जाएंगे हम तरक्की हो जाएगी दीन को आप छोड़कर ला इज्जत बेदून इस्लाम इस्लाम को छोड़कर तुम कहीं भी इज्जत ढूंढना चाहोगे तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती बगैर इस्लाम की तालीबात के तुम इज्जत पा सकते नहीं पा सकते इसलिए इस्लाम के साथ साथ लनस नसीब का मिनत दुनिया दुनिया से भी अपना हिस्सा लेना न भूलो यह रब का फरमान है रब बना आतीना फिर दुनिया हंसना व फिर आखरत हंसना दुनिया में भी हमको अच्छाई चाहिए और आखिरत में भी हमको अच्छाई चाहिए अपने बच्चों को नबी की सीरत है तालीम हासिल करवाओ तोहहीद का इंजेक्शन सबसे पहले लगना चाहिए फालमीजान मोहतरम चीधा चीदा, चीदा नबोबी सीरत के मुताबिक आपको आगे ले जा रहा हूं मुसलमानों के अंदर आज वो प्यास वो तलफ होनी चाहिए जो साहबा के अंदर थी नबी करीम सलासलम रातों को उठ के बेदार होते दुआएं करते अपनी उम्मत के लिए यह उम्मत तैयार करने में आपने खून पसीना एक किया हुआ है आपने मार खाए आपने गालियां सही आपने जुल्म बर्दाश्त किए आपके साहबा ने तमाम कुर्बानियां पेश की तब यह इस्लाम आज हम तक पहुंचा है आप भारत के जंदर रहते हुए शुक्र अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भारत हमारा मुल्क अल्लाह ताला का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई जरखेज है हमारे लिए हरे दबार से और चंद भूकने वाले लोग तो वो मत देखो ये तो हर दौर में भूकते हैं इनको भोंकने की आदत पड़ी हुई है इनको भोंकने दे बीमारी लगी हुई है लेकिन इस भारत के अंदर 80 से 90 परसेंट ऐसे बिरादरान वतन मौजूद हैं जो मुख्तलिफर्म मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो आपसे मोहब्बत करते हैं लेन देन करते हैं आपके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं वो दो तो चार दस उंगलियों पर गिने हुए चुने है। लोग हैं जो शरारत और बदमाशी के बगैर उनका पेट नहीं भरता बस वो अल्लाह तला उनसे निपट लेगा इनशाला दोबारक लेकिन हमको सही होना पड़ेगा हमें कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी अपना अखलाक अपना अकीदा सबसे पहले अकीदा है नबी सीरत अल्लाह के नबी की सीरत ही यही है कि सबसे पहले आपने मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तोहहीद की दावत दी है सबसे पहले सीरत का यह पहला तरीका है सीढ़ी छोड़कर फट से छत के ऊपर नहीं जा सकते आप तोहीद यह पहला जीना है पहली सीढ़ी है यहां से आगाज होगा आपकी जिंदगी का आपके बच्चों का अपनी बीवी का आपके अपने बच्चियों का सबका इसके लिए आपको ऐसा मदरसा और एक ऐसा स्कूल या ऐसा सेंटर मजबूत होना पड़ेगा जहां आप हर बच्चे और हर बच्ची को बेहतरीन माहिद बनाए उसके बाद आप आगे बढ़ें अकीदा उसके बाद आमाल नमाज रोजे हज जक़ आप क्या सोचते हैं आप इस्लाम की तालीमत को अपने पैरों से रोकते हुए आप बड़े सबकी नजरों में मोतबर बन जाएंगे कभी नहीं हो सकता यह याद रखो कभी नहीं हो सकता बरसा बरस से हम ये देख रहे कि भारत के अंदर जो इस्लामी तहजीब और तमदन की चादरों को फेंक कर और इस्लामी तौर और तरीके और आदाब और अखलाक के जो जेवरात हैं उनको निकाल कर जिन्होंने काफिरों जैसे आदात और अतवार और तहजीब तमदन अपना लिए वो वो कहां गए आज हाँ उनको कोई पूछने वाला एक मोहसिन नाम का जाके त्यागी सिंह बन गया सोचता है यहां बहुत सारी चीजें मिलेंगी आज उसको वही वही मौत नजर आ रही है अल्लाह ताला उसे हिदायत अदा फरमाए तो पहले भी हिदायत पे नहीं था वो तो खैर अब भी क्या बहरहाल अल्लाह की मर्जी है उसके बंदे हमारे बाप का क्या है अगर किसी को वो चाहे तो अबू जहल को जन्न जहन्नम में डाल दे अबू लहब को जहन्नम में डाल दे चाहे तो उमर जैसे सख्त दुश्मन को इस्लाम की दौलत अदा करके जन्नत में डाल दे उसकी मर्जी है हम क्या कर सकते हैं उसका दीन है तो हमारा किरदार नबवी किरदार होना चाहिए इस मुल्क के अंदर बहुत बेहतरीन माहौल है हमें इस माहौल को के लिए दुआ करना चाहिए अपने वतन के लिए और कभी हमें इस वतन के लिए जहमत का सबब नहीं बनना चाहिए किसी के लिए कि वो हमारे ऊपर उंगली उठाएं अरे ये मुसलमानों ने अरे ये ना 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 हमें अपना अखलाक अपना किरदार अपनी तहजीब अपना तमदन बड़े खुद पैदा खुद खुद से अपना करके और आगे बढ़ने की जरूरत है करिए करिए बस्ती बस्ती के अंदर ओलवा होने चाहिए दुआद होने चाहिए मदारिस होने चाहिए मसाजिद को आप सिर्फ पांचों वक्त की नमाजों का सेंटर न बनाए बल्कि हमारे नबी के दौर में सीरत बताती है कि ये मसाजिद बाकायदे यहाँ हॉस्पिटल भी कायम किए जाते थे मशवरा गहें भी थी ये यहाँ मशवरे होते थे यहाँ से वफूद दावत तबलीग के और फौज के अहकाम जारी होते थे फौजें यहीं मस्जिदों से भेज जाती थी जब वो दौर था तो कम अज कम हम कम अज कम इसको इस हिसाब से अपने मसाजिद को कम अज कम आबाद रखें और ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि अहले हदीसों के पास ये तमाम सब गुण मौजूद हैं ये भी है लेकिन मैं आम मुसलमानों को जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ऐ मेरे मुसलमान भाइयों जो मेरी आवाज सुन रहे हो ऐ भारत के लोगों हसद ना करो भुगज ना करो मेरी बातें तुम्हें तकलीफ दे ना लगें अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा मोहसिन हूं मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा हूं अल्लाह की कसम बदला रहा हूं मैं खुद भी जन्नत में जाना चाहता हूं तुम्हें भी जन्नत की तरफ बुलाना चाहता हूं हम तो तुमसे यही कहते हैं आओ बैठो एक मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ बतला दो अल्लाह के कदम है कि सुबह का सूरज बाद में निकलेगा तौबा पहले करेंगे हम इन शह तुम्हारा कदम हम वो अहले हदीस हैं हम वो अरुल हदीस हैं हम ये नहीं कहते हम दूध के धुले हुए हैं हमसे भी गलतियां होती हैं हमने भी गुनहगार मौजूद है लेकिन उसूल का हमने कभी सौदा नहीं किया है कभी कंप्रोमाइज हमने उसूलों का नहीं किया है हमने अकीदों पर कभी भी किसी से भी मफाहमत नहीं की है अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते नबी की इमामत और रसालत में किसी भी उम्मती को बराबर खड़ा नहीं करते यही साहबा का मनहज रहा है कबीले बनु हनीफा ने मुसैलमा कज्जाब को नबी माना था नबी की वफात हुई मुसलमा कज्जाब ने नबूत का दावा किया वो मुसलमा कज्जाब जो नमाज भी पढ़ता था उसके मानने वाले कबीले बनू हनीफा के अछदवन्ना मोहम्मद रसूल भी कहते थे नमाज भी पढ़ते थे रोजा भी रखते थे हज भी करते सब कुछ करते थे सिर्फ एक गलती उन्होंने की थी के ऊपर ईमान लाए कि ये भी रसूल है ये भी सैयद अबू बकर सिद्दीक ये रसूल के बिल बिलमुका अगर कोई रसूल खड़ा किया जाता है वो इस दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है हम उसे मुसलमान तस्लिम करने के लिए तैयार हम जहाज कर बिगल बजा जंग का फौज तैयार हुई लोगों ने कहा भी अरे वो कलमा पढ़ते हैं क्या कलमा पढ़ते नबी के मुकाबले में लाया गया है नबी के मुकाबले में हमारे नबी के मुकाबले में किसी को खड़ा किया गया है हम उसे तस्लीम खातमियत मोहम्मदी पर कोई दाग लगे हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते अबू बकर ने फौरी तौर के ऊपर फौज भेजी और फौज भेज करके उसको कला कमा किया गया अलहमद गिरफ्तार किया गया मरदूद को खत्म किया गया उसको तो जब नबी के मुकाबले में किसी को नबी या रसूल का मकाम और मर्तबा नहीं दिया जा सकता तो बताओ किसी अल्लाह के बंदे को मुश्किल कुशा और हाजत रवा और गौश और कुतुब और अब्दाल के नाम पर उनसे बेटा और बेटी और उन्हें हाजत रवा और उन्हें मुश्किल कुशा और वलायत का सर्टिफिकेट तुमने दे दे करके क्या यह तस्लीम किया जा सकता है अल्लाह के बराबर कोई हो सकता है बोलो अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों अपने आप को मुसलमान कहने वालों मुझे बताओ ये दरगाह ये मदार ये शद्दे यागम ये बुजुर्गों के नाम पर जो तुम नाटक बंदियां कर रहे हो दीन बता रहे हो रब्बे काबा की कसम है अरे ये दीन किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता ये इस्लाम से इसका कोई रिश्ता नहीं कोई ताल्लुक नहीं है याद रखो किस झांसे में तुम पड़े हो ये इस्लाम नहीं है दीद नहीं है और अल्लाह का एक बात और बताऊं अल्लाह का फजल अल्लाह का शुक्र है आजकल ये जो सोशल मीडिया है ये जो मोबाइल हैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी किल्पे आ रही दरगाहियों की मदारियों की मौलवी आजकल बिलबिला रहा है अल्लाह का इतना बड़ा फजल है कि आप किल्पे देखें उनके मौलवी अब दरगाहों के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं चादरों के खिलाफ तवाफ के खिलाफ अल्लाह की कसम बदला रहा हूं नियाज के खिलाफ फते के खिलाफ आज उनकी तकरीरें मौजूद है मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में थोड़ी आखिरी गिरती हुई दीवार है अहले हदीस हो एक लात मारो अल्लाह की कसम के शिर को कुफर के ताने बाने खत्म हो जाएंगे इन शह तबारको इसकी जरूरत है आज यह टिमटिमाते हुए दिए हैं शिर को बिदात के ये रसिया शिर को बिदत के ये अलंबरदार इनकी कोई हैसियत नहीं मकड़ी के जालों से भी कमजोर इनके ताने और बाने हैं अलहमदल्ला तुम्हें जरूरत है कि एजुकेट तुम एजुकेशन में आगे बढ़ो तालीम रब का कुरान मोहम्मद का फरमान अपने बच्चों को लायर बनाओ डॉक्टर बनाओ आलिम बनाओ हाफिज हर मुसलमान का बच्चा हाफिज कुरान होना चाहिए इन हर बच्ची यह नहीं कि हाफिज बना दिया बस मुसल्ले का इमाम बनाने के लिए डॉक्टर हो मुसल्ले का इमाम हो हाफिज कुरान भी हो आलिम भी हो हलाल और हराम की तमीज भी रखता हो हर मुसलमान को हिफ्ज करना चाहिए हर मुसलमान को कुरान पढ़, हर मुझ और जब मैं हिफ्ज की बात कर रहा हूं तो कुरान पढ़ना तो बहरहाल ये तो फर्जी फर्ज है अजीजा ने मिल्ल इस्लामिया आइए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्योंकि टाइम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है मैं एक और अहम नुकते की तरफ आपकी तवज्जु दिलाना चाहता हूं नबवी सीरत में समाज ये तो अफराध की तरबियत हुई समाज के अंदर अल्लाह के नबी ने किस तरह से लोगों की रहनुमाई की और तरबियत की शादी ब्याह जो हमारे समाज का एक हिस्सा है हमने आज गैर मुस्लिमों के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बहुत सारे आदात और अतवार और ये खरबूदा खरबूदे को देखकर रंग बदलता है इसमें कोई शक नहीं सोहबत सालह तालह कुलत और सोहबत ताल तरा ताल कुन नेक लोगों की सोहबत नेक बनाती है और कमीनों की सोहबत तुम्हें कमीना बनाती है इसलिए हर माँ और बाप अपनी औलाद के ऊपर नजर रखते हैं कि मेरा बेटा किन के साथ खेलता है कूदता है और किन की सोहबतों में बैठता है और यह नजर रखना जरूरी भी है क्योंकि तरबियत का यह भी एक अंदाज है माशा तामीर होता है मिया और बीवी से बेहतरीन बीवी का इंतखाब करो नौजवानों के लिए ये बड़ा हॉट हाँ टॉपिक है ये वो लोग जो शादी नहीं करते हमें आज कुछ रेजाकार हमारे साथ साथे हमारे अहबाब आज पूरा दिन शादी का था टॉपिक हमारे जमीर भाई के मामा हैं अल्लाह से दुआ करो ऐसे बहुत सारे मामा हैं सबकी शादी हो जाए कहाँ जमीर भाई वो इंतजामिया में होंगे बेचारे तो उनको खपत ही नहीं सबकी शादी करे अल्लाह ताला जितने नौजवान हैं सत्रह अठारह के बाद अल्लाह सबका निकाह करवाए और अल्लाह हमारी बहनें हमारी बेटियां जो भी सोलह सत्रह की हैं अल्लाह ताला उनका भी निकाह करवाए आमीन या अरबर आदमी में और ये शादियां बिल्कुल सादगी के साथ होनी चाहिए चार आदमी बैठो ईजाबो कबूल करो खत्म लिखा पढ़ाई जो भी आजकल रजिस्ट्रेशन होता, होता है इमाम साहब लिख पढ़ दें खत्म हो गई शादी हो गई अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह अब वली में की तैयारी लड़का करे लड़का वली में की थे ये नहीं कि बेटी अब ला तो ये बारात जा रही है तो वहां खाना खाने जा रहे हैं तो वहां बकरे कट रहे हैं वहां स्टार्टर बनाए जा रहे हैं लॉलीपॉप बनाए जा रहे हैं सबके दावतें हो रही हैं है। हैदराबाद के करीब ही हो आप पता नहीं क्या क्या बदबू यहां से क्या क्या गलत गलत चीजें यहां इंपोर्ट हो रही होंगी और यहां से वहां तो खैर देहातों तक पहुंचती है यहां भी है बारात और चलती है बोलो आपकी खामोशी बता रही है मुजरिम हो हाँ, हराम है ये याद रखो हराम काम कर हदीस अहदीजो नबी सीरत नबी की सीरत बड़ा जिसने भी ये मौजूद दिया अल्लाह दे, पता नहीं क्या सोच करके मुझे दे दिया नबवी सीरत पर टिकाऊंगा मैं लाके क्या क्या बताऊं नबी सीरत में आपको बताऊं हजरत सैयदी तालिब हाजिर होते हैं चचा हैं नबी सलाम के चचेरे भाई हैं चाइए ज़हरा के रिश्ता देखें आप यहां भी कुरेशियों ने रिक्शे बक्शे बताया बोले ये मामू भी हैं और ये साले भी हैं मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है मामू भी हो और साला भी हो तो यहाँ रिश्ते अजीब मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह दादी जब तक भाभी ना बने जब तक रिश्ता मुसलमानों का मुकम्मल नहीं होता नानी भी भाभी बनती है ऐसे रिश्ते हमारे जुड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल उसका एहसान है तुम्हें क्या कह रहा था सैयद ना अलीब रहा तुम चचा चचा है फाद जहरा पली है बड़ी हैं नबी आजम के साथ आए अल्लाह के नबी से कहने लगे कि मैं शादी करना चाह रहा हूं आपकी हजरत फातिमा मैं बड़ा कल्लाश हूं, हूं फकीर हूं इंटरनेशनल दुनिया का सबसे दलील तरीना अपनी बेटी को क्या दोगे बेगैरत जाके डूब मर चुल्लू भर पानी में न हो तो जाकर के ऊपर पहाड़ी पर से अपने आप को मार उधर दिल्ली के में इतनी गंद मचाई करोड़ों कर। अमास सोने की प्लेटों में खाने की राय सोचो बारातियों को बाइक पेश की जा रही है कितने बारातियां आएंगे सबके लिए बाइक अल्लाह की कदम बता रहा जेल में ठोस दिया गया उसको पैसे अल्लाह ने दिए हैं तो अल्लाह की राह में खर्च करो दीन की राह में खर्च करो इस्लाम के फरोग के लिए खर्च करो आज के आपके पास अल्लाह ने माल की भी कुवत दी है दौलत की भी कुत दी है जिसम की भी ताकत और कुवत दी है खुशहाल बनाए अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह के दिन पर खर्च करो अल्लाह के तालीम पर अल्लाह की तालीम फैलाने पर खर्च करो अल्लाह के दीन जो फैला रहे उनके ऊपर खर्च करो ये गलत बात है नबी की सीरत पढ़ो नबी की सीरत यह है महर लाओ हसे का हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कहने लाओ मर्द हो तो लाओ हमारी तरह भिखारी बन के नहीं मांगते अल्लाह के रसूल फरमाया गए अपना कुछ नहीं था उनके पास वो हथियार थे लड़ाई के जरा बख्तर जुल्फार जो कुछ भी कहा जाता है उठाया और मार्केट में गए बाजार में वहां देखा उस्मान गनी आ रहे थे कहने अली क्या बात है कहा जा रहे हो कहने लगे कि ये बेचने जा रहा हूं कहा क्यों कहा शादी करनी है नबी शाहम ने कि बेटी से और मेहर देना है तो उस्मान जाहिर है आपको पता है हत्य उस्मान कौन थे हैं मालदार थे गनी थे माशा उनका लकब था नबी करीम सासर उनकी दो दो बेटियों के एक बेटी इंतकाल की दूसरी बेटी आपने दी थी हंसत उस्मान गनी को समझ गए ये साढ़ू बनने वाले हैं हम जुल्फ कहना कि अली ऐसा है बेचने जा रहे हो मुझे बेच दो कहना कि कोई बात नहीं आप ही ले लो वो ले लिया हंस उस्मान गनी ने मोहब्बत देखे और कितने में बेचोगे इतने में उतना पूरा पैसा उनको दे दिया कोई भावताव नहीं जितने में इतना जो दे दे नबी करीम सासिन खिदमत में आए शादी हो रही है सुनो बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है दूल्हा भी खड़ा हुआ है घर ही का दूल्हा अल्लाह के नबी ने दामन फैलाए हंसे अली ने दीनार और दिरहम जो भी मिले थे अल्लाह के दामन में रखा सरदार इमामुल अंबिया सरदार दो जहां अल्लाह के बाद जिनका रुतबा और मकाम हमारा ईमान और अकीदा है वो अपनी बेटी की शादी यूं कर रहे ये सीरत का नमूना है इस सीरत को कौन फॉलो करेगा बोलो आप अहलुल हदीस हैं अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं तो इसे कौन अपनाएगा आप बताओ यह जहेज का लेना देने, देने वाला भी हराम कर रहा है क्योंकि वो अपने बेटों का हक मारकर बेटी को दे रहा है बेटों का हक है और लेने वाला तो हई है, है हराम खोरी कर रहा हो इसलिए जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा याद रखो हराम माल खाओगे जन्नत में नहीं जाओगे और ये हकूक हैं जिन जिन लोगों ने लिया है वो अपने अपने सुसर को जाके वापस कर दो इज्जत के साथ ये नहीं कि आइंदा नहीं लूंगा नहीं